अब बात यह है कि अंग्रेजी भाषा हमारे ऊपर 300 वर्ष से लदती गई। मैंने कभी अंग्रेजी सीखी नहीं, कभी भी नहीं। स्कूल में भी एक छोटी सी किताब थी और कॉलेज तो मेडिकल कॉलेज में कोई सिखाता ही नहीं अंग्रेजी। मेरे पिताजी कहते थे इतनी ये आसान भाषा है और इसमें इतने कम शब्द कि कोई ज़रूरत ही नहीं सीखने की। और उन्होंने हमको मराठी स्कूल में डाला और हमसे कहते थे कि मराठी सीखो और संस्कृत सीखो। मैं संस्कृत भी मैंने कभी नहीं सीखा और हिंदी तो कभी भी नहीं सीखी। कोई सवाल ही नहीं उठता। स्कूल में भी नहीं सीखी, कॉलेज में भी नहीं सीखी, कहीं हिंदी भाषा मैंने सीखी ही नहीं। पर एक अच्छाई है मेरे अंदर, वो मैं बता दूं आपसे कि मैं हिंदी भाषा में जब बोलती हूँ तो हिंदी बोल सकती और मराठी में बोलती हूँ तो मराठी बोल सकती और अंग्रेजी में बोलती हूँ तो अंग्रेजी बोल सकती। उसका भाषांतर करना मेरे लिए बड़ा कठिन, इसलिए मैं मिक्सअप नहीं कर सकती। ये भाषा अलग बोल रहा है, वो भाषा अलग बोल रहा है, वो अलग भाषा। अब कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि मैंने हिंदी भाषा सीखी ही नहीं। लेकिन पढ़ने का शौक, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का शौक, उसी से हिंदी भाषा आ गई। पर शुरुआत में मेरी भाषा बहुत संस्कृत से क्लिष्ट थी, बहुत, क्योंकि महाराष्ट्रियन लोग वैसे ही बोलते हैं। महाराष्ट्रियंस को रोज़मर्रा की हिंदी नहीं आती। वो जो हिंदी भाषा बोलेंगे उसमें आधे से ज़्यादा तो संस्कृत शब्द और बचे खुचे मराठी शब्द। समझे ना? तो ये हालत। अब हमने जो इसमें समझा है वो ये कि भाषा का भी एक वरदान होता है, जैसे संगीत का होता है, कला का होता है, ऐसे ही भाषा का वरदान होता है और उसी से लोग बहुत सारी भाषा बोल सकते हैं। लेकिन हिंदी लोग कोई और भाषा सीख ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है, जैसे अंग्रेज हैं, अंग्रेज कोई और भाषा नहीं सीख सकते और सीखेंगे तो विद्रूप बिल्कुल। वजह ये, सब अंग्रेजी जानते हैं इसलिए वो कोई और भाषा नहीं जानते। अब हिंदी बोलने वालों का ये हाल है कि वो कोई और भाषा बोल ही नहीं सकते। मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि आप मराठी सीखो, क्योंकि मराठी भाषा बहुत ही जटिल है, बहुत कठिन। वो मराठी समझ सकता और उसमें इतना विनोद और इतना मजाक है, उसमें अश्लीलता इतनी भी नहीं, गंदगी इतनी भी नहीं, पर इतनी भाषा वो प्रगल्भ है, इतनी गहन है। और फिर सहजों के लिए मराठी भाषा जैसी और कोई भाषा नहीं, क्योंकि मराठी में ही कुंडलिनी के बारे में लिखा गया, इतने साधु संतों ने सब लिखा, सो मराठी भाषा। और अगर एक बार आपको मराठी आ गई तो कोई सी भी भाषा आ सकती, इसमें कोई शक नहीं। पर मराठी लोग और कोई भाषा नहीं सीखे, बड़े कट्टर होते हैं। किसी को मैंने कहा कि एक ये हिंदी किताब पढ़ो तो थोड़ी पढ़कर छोड़ दी। मैंने कहा क्यों? सभी घाणे, सब गंदगी लिखी हुई है इसमें, मेरे को नहीं सुना। क्योंकि इतनी शुद्ध भाषा और इतने शुद्ध विचार मराठी में। पढ़ने के बाद आप गीता पढ़ने के बाद कोई रास्ते पर की चीज़ पढ़ो, सड़क छाप, वो समझ में नहीं आती।
सो आप लोगों में से कुछ लोग सीखे मराठी तो अच्छा है, लेकिन बड़ी कठिन भाषा है और इसमें पर्याय बहुत भाषा का। आज इसलिए मैं बता रही हूँ कि महाराष्ट्र में आके भी मुझे हिंदी में ही बोलना पड़ता है, क्योंकि आप तो मराठी भाषा जानते नहीं, पर पूना में मैं मराठी में ही बोलती और मुंबई में भी हिंदी में बोलना पड़ता। अगर कोई सीखना चाहे तो मराठी भाषा सीखे, ये सीखने वाली भाषा, और इतनी कमाल की है कि हमारे नामदेव जो बड़े भारी यहाँ के बहुत बड़े संत हो गए, उनको गुरु नानक साहब ने बुलाया और उनसे कहा कि तुम पंजाबी सीखो और पंजाबी में तुम लिखो। इतनी बड़ी किताब लिखी उन्होंने पंजाबी में, और मुझे पंजाब भाषा आ गई, मैं जब पंजाब में रही। अगर आपको मराठी भाषा आ गई तो सिवाय तमिल के आप सब भाषाएं सीख सकते, और तमिल के भी कुछ शब्द सीख सकते हैं सर। इस प्रकार इस देश में जबकि 14 भाषाएं सरकारी भाषाएं, we'll be surprised 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन दिस कंट्री। सो मैं ये कहूं कि अगर मराठी आप लोग सीख लें तो आपको 14 में से 8-9 भाषा तो आ ही जाएंगे। अब एक और बात कमाल है कि बाइबल का ट्रांसलेशन भाषांतर डायरेक्टली, जिसको कहना चाहिए इब्रू भाषा से, प्रत्यक्ष में वो मराठी भाषा में हुआ है। यहाँ एक रमा देवी करके बड़ी अच्छी विद्वान स्त्री थी, उसने बाइबल का भाषण जो भी था, बाइबल का जो भी भाषांतर था, वो मराठी भाषा में, और उसमें जो शब्द जैसे जॉन को योहान, मैथ्यूस का मत्तै, तो मैंने बाइबल जो है वो मराठी में पढ़ा, इसलिए बहुत बार गड़बड़ हो जाती है मेरी, और स्पष्ट रूप से लिखा है। उसकी इतनी शुद्धता उन्होंने रखी हुई है, और उसी में उन्होंने लिखा कि जब वो शादी में गए थे तो उन्होंने वहाँ पर पानी से द्राक्षारसव बनाया। बड़ी तत्व की बात है मराठी में लिखी। दूसरी विशेषता मैंने देखी कि ईसा मसीह के बचपन के बारे में, उसकी बाल्यावस्था के लिए कोई अंग्रेजी में मैंने कविता नहीं पढ़ी। आई डोंट नो, हैव यू एवर हर्ड ए पोएट्री पीस अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्राइस्ट चाइल्डहुड? आई हैव नेवर हर्ड वन, बट इन मराठी वी हैव मैनी। अभी कल ही इन्होंने गाया बढ़िया, बाल वदन तव बघुनी ख्रिस्ता, छोटे बच्चे का मुंह देखकर, आफ्टर सीइंग योर फेस, योर चाइल्ड लाइक चाइल्ड फेस, बाल वदन, ऑल माई फियर्स रन अवे। सो दिस पार्ट इज मिसिंग इन द वेस्टर्न लैंग्वेजेस। आई थिंक दैट द चाइल्डहुड थीम्स आर नॉट देयर। वी हैव अबाउट कृष्णा, अबाउट रामा, व्हेन दे वर चिल्ड्रन, हाउ दे यूज टू वॉक, हाउ दे यूज टू टॉक, हाउ दे यूज टू पुट देयर फिंगर इन द माउथ
Every little, little thing is described so beautifully about you. And that is how I think Indians cannot think of killing their children at all. I mean, it's an impossible situation. Even in Hindi language, in Marathi language, we have such beautiful descriptions of this incarnation as children. Then third thing, tisri baat, jo surprising hai, ke sara romance inka shaadi se pehle hi. Shaadi ke baad koi romance hai nahi. Third thing is that there is no romance described after marriage, all before marriage. It's the other way around in Indian languages. All the romance comes when you are married. Very sweet, sweet things. I was surprised, I asked somebody to find out one English book where they have described the romance of the married couple. None. Finished. All the romance is over. Once you are married, it's finished. Then what do? You quarrel, you fight, you go to courts, take a divorce. That description is not there. Aur yahi baat hai ki hamare upar bada bhari ehsaan hamare sanskriti ka hai, bahut bada. Kada baro he phulansathi yete ikde. कोणतरी येऊन काढून घे. सो हमने मराठी में बाइबल का ट्रांसलेशन पढ़ा और उसमें जो बातें लिखी हैं वो बड़ी गहन. अंग्रेजी भाषा ने तो बदल ही दिया उसका स्वरूप, मैं सोचती हूँ. और ईसा मसीह के बारे में भी जो पवित्र अत्यंत आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन मराठी बाइबल में, वो ना तो हिंदी में है और ना ही वो इंग्लिश में. तीसरी बात कि मराठी आदमी जो है बड़ा उद्दार है. राजस्थान में भी जैसे मेवाड़ के लोग तो बड़ा उद्दार है. वो अंग्रेज से कुछ सीख लेने वाला, अंग्रेज अगर सिखाए तो कहेगा राव दिया रेंदो रेंदो आपके जैसे बहुत देख लिए. पर नॉर्थ में मैंने देखा कि बड़े अंग्रेजों का वो जोर, सूट बूट पहनना, टाई लगाना, जूते पहनना और सब पे रोप झाड़ना. मराठी आदमी को सूट पहनाना बहुत कठिन. वो तो धोती पहनते. पढ़े लिखे लोग भी धोती. अब आपने देखा है तिलक यहाँ कितने बड़े लीडर हो गए अपने देश के. यहाँ पर रानड़े, यहाँ के रानड़े हो गए, आगरकर हो गए, सब कोई सूट वूट नहीं पहनते थे, कोई टाई वाई नहीं लगाते थे. हाँ, सरकारी नौकर हो गए तो करते हो तो करते हो, पर यहाँ सरकारी नौकरी करना भी बड़ी निम्न श्रेणी की बात समझते. महाराष्ट्र में आपको पता हो बहुत बार लेख आते हैं, लिखा जाता है कि आप सरकारी नौकरी क्यों नहीं करते. फिर दो चार लोगों के नाम दिए जाते हैं कि देखो इन्होंने की सरकारी नौकरी तो उनका क्या खराबा. पर सरकारी नौकरों का कोई महत्व नहीं, कोई नहीं. और हमारे फादर तो कहते हैं कि पहले नौकरी करना अधम चीज है, अपना प्रोफेशन रखो.
और उससे ज्यादा सरकारी नौकरी करना तो अधमाधम। मनुष्य का चरित्र हनन हो जाता। बहुत उनकी बात मैंने देखी सही। अब कोई आईएएस में आ गया तो बस हो गया, उसका भाव चढ़ जाता है वहां पे 30 लाख 35 लाख। कोई आईएएस का आदमी हो गया तो नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी चीज मानते हैं, यहाँ पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, तब मानते। और आध्यात्मिक, ये बड़ा भारी डिफरेंस। और इसीलिए शुरू शुरू में दिल्ली में मैं सोचती थी कि ये क्या समझेंगे, पर बड़ी हैरानी की बात कि दिल्ली में अब सहज योग ऐसा फैला है, लखनऊ में मुझे विश्वास ही नहीं होता। किसके आशीर्वाद से हुआ? ये तो ऐसे अंग्रेजों के चापलूस नंबर एक थे, इनको हो क्या गया है? ये बदल कैसे गए? मुझे लगता है श्री राम और श्री कृष्ण जहाँ, जिस भूमि मंडल में रहे हैं, उनके आशीर्वाद। और तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि लखनऊ जैसी जगह तो खाओ पियो मौज करो और सब दिल फेंक बहादुर। मैं तो हैरान होती थी इन लोगों से बात क्या करें, सबका रिश्ता वैसा, बात वैसी, मैं समझ आता। अब मैं महाराष्ट्र से गई थी, मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आता था। भाभी है तो उसका मजाक है, सा तो नंद है तो उसका मजाक, मेरी खोपड़ी में नहीं जाता था। और अब मैं देखती हूँ कि श्री राम और श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कबीर की वाणी, नानक साहब का आशीर्वाद। अरे ये पंजाबी लोग, मैं पंजाब में पढ़ती थी तो मैं सोचते थे ये पंजाबी, इनकी तो कभी खोपड़ी में सहयोग जाएगा ही नहीं। और मैं हैरान, मैं बड़ी हैरान, इतनी भक्ति और इतना आनंद इन्होंने कैसे प्राप्त किया? वहाँ ना कोई प्रवचन नहीं देता था, कुछ नहीं, कैसे क्या होगा? अब महाराष्ट्र में बड़ी मेहनत करी मैंने, बाप रे बाप, एक एक गांव देहात हर जगह गए, बड़ी बड़ी मेहनत करी, लेकिन महाराष्ट्र में बात नहीं। जो बात नॉर्थ इंडिया की वो महाराष्ट्र में नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात, मैं कहूँ कि इतनी मेहनत की सब बेकार ही जाती, उल्टे मेरे पीछे हाथ धो के लग गए। सो पता ये हुआ मुझे कि यहाँ गुरु घंटाल बहुत, ने गुरु, हर एक आदमी का गुरु, गुरु गुरु घर में गुरु घुसे हुए, ने गुरु लोग हैं यहाँ। कुछ पूछे, वो पंचांग आता है ना, उसमें भी हर एक गुरु का नाम, उसके जन्मदिन, ये वो, मैंने कहा ये भगवान, और सब बिल्कुल बेकार लोग। इसमें कुछ कुछ महान भी थे पर बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। और ऐसे गुरु घंटाल कि जो सिवाय पैसों के और औरतों के सिवा कुछ नहीं जानते। इतनी बड़ी ये महाराष्ट्र की भूमि, इतनी पवित्र भूमि जहाँ पर इतने देवियों के स्थान, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और आदिशक्ति, सबके स्थान इस महाराष्ट्र में, और अष्टविनायक और ये महाविनायक सब यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, ये लोग अश्लील नहीं, गंदगी नहीं, लेकिन धर्म को समझने की इनमें क्षमता नहीं रहे, क्षमता नहीं। वही
घंटा बजाना, मंदिर में जाना और गुरुओं के पीछे भागना, बहुत ही ज्यादा कर्मकांडी लोग हैं। और बातें नहीं है, गंदगी नहीं, पर इतने कर्मकांडी हैं कि उसमें से निकल ही नहीं पा रहे। इस तरह से मैंने आपको विश्लेषण करके बताया कि जो लोग फॉरेन के हैं, जिनसे मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मैं सोचती थी ये क्या बेकार के लोग, इनको तो कुछ अंदाज ही नहीं किसी चीज़ का, वो वहाँ से वहाँ पहुँच गए। और नॉर्थ के लोग, जिनको मैं सोचती थी कि ये क्या आएंगे सहयोग, मैं तो दिल्ली को बिल्ली कहती थी। मेरी शादी भी दिल्ली में हुई, मेरे पिताजी भी दिल्ली में थे, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पर आश्चर्य की बात है कि आज दिल्ली में और उससे नॉर्थ में, पंजाब में, यूपी में, सब जगह, राजस्थान, सहयोग फैल। ये महाराष्ट्र की दुर्दशा, और इस वजह से आप लोगों का यह आना ज़रूरी है, क्योंकि आपके चैतन्य से यहाँ बहुत जागृति हो सकती और लोग महसूस कर सकते हैं। आपके आने से आपका चित्त यहाँ आ जाता है, और उससे महाराष्ट्र के जो गुरु लोग बैठे हुए हैं, अब भी बैठे हैं बहुत सारे, मराठी में शब्द है उचल बांगड़ी करने, अब इसका मैं ट्रांसलेशन नहीं बता सर, तो उनको उठा के फेंकने का काम आप लोगों का चैतन्य कर सकते, विशेषकर आज जबकि आप जीसस क्राइस्ट की पवित्र पवित्रतम जीवन के प्रति आदर व्यक्त कर रहे हैं, उस वक्त ये मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पर जो लोग इतने सारे गुरु घंटाल बैठे हैं, जिनको ईसा मसीह आज होते तो एक हंटर से मारते फिरते, ऐसे इन गुरुओं का ही यहाँ से उचल बांगड़ी हो जाएगी। और अब ये भाग के पता नहीं कहाँ जाएंगे, बहुत पैसा बना लिया सबने, काफ़ी बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन ये एक तरह की सादगी, बेवकूफ़ी यहाँ पर है। कोई भी गुरु आए उसके चरण छू, सब चरण छू महाराज लोग यहाँ बहुत, तो ये एक बात हमारे अंदर, बेवकूफ़ बनने की क्षमता पता नहीं कहाँ से आ गई है। कोई भी आए, कुछ भी पढ़ाए, बस हमारी परंपरा है, गुरुदेव आ गए बस। इस परंपरा से ही ये महाराष्ट्र ग्रस्त हुआ है, और मैं तो कहूँगी कि ईसा मसीह के जीवन से, उनकी सादगी, उनकी पवित्रता और उनकी अबोधिता का जो शस्त्र है, वो श्री गणेश के माध्यम से ज़रूर नष्ट करेगा इन लोगों, और महाराष्ट्र में भी जागृति हो जाए, यहाँ भी लोग प्राप्त करेंगे उस परम धन को और परम तत्व को, जो यहाँ पर न जाने कितने संतों ने कहा। कुंडलिनी के बारे में ऐसा कोई संत ही नहीं जिसने नहीं कहा, सारे ही संतों ने यहाँ कुंडलिनी की बात करी, पर एक से एक महासंत इस देश में होगा। इस देश के उन संतों को मैं सोचती हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ पर जागृति करने की कोशिश की, वहाँ मैं भी हार गई, लेकिन आप लोगों का आना बहुत मुबारक,
और आप लोगों के यहाँ आने से इन लोगों में अकल आएगी, ये समझेंगे कि ये किस गुरु के पीछे हम भाग रहे हैं। ये सब जो भी मैं बता रही हूँ इसलिए कि बहुतों ने मुझसे कहा कि माँ गणपतिपुळे से अच्छा है आप पधरी कुछ करिए प्रोग्राम। मैं कहने आप आई क्योंकि आपका कर्तव्य है कि आप सब में जागरण ला, महाराष्ट्र में जागरण लाना है और आपको इसीलिए यहाँ आना ज़रूरी, और वो भी यहाँ पर ईसा मसीह का ही हम लोग गौरव करते हैं, उनकी बहुत ज़रूरत है। वो तो मैं कहती हूँ ना कि हंटर लेके इन सब गुरुओं को ऐसे ठोकेंगे, पर आप लोगों का ये विचार कि हम यहाँ आज उनके पवित्रतम चरित्र को उजागर करने आए और उनके शक्ति से महाराष्ट्र की ये भूमि पवित्र हो जाए, और ये लोग गणेश पूजा बहुत, गणेश की पूजा बहुत करेंगे, लेकिन वो गणेश क्या है और गणेश का मतलब क्या है इसको मतलब कुछ समझ भी नहीं आता। ऐसे चक्कर में फंसे हुए लोग हैं, इनको उभारने के लिए आप लोगों का यहाँ आना ज़रूरी है। हर साल आप लोग आते हैं और वो भी ईसा मसीह का जन्मदिन बनाने के लिए, ये बड़ी भारी बात है। आप सबको अनंत आशीर्वाद।